हाय गाइस, लेट अस स्टार्ट अवर न्यू केस स्टडी। और इस केस स्टडी डिस्कशन में आपका फिर से स्वागत है। हम करेंगे आज एक ऐसी केस स्टडी जो कि रिलेटेड होगी किनसे। ये केस स्टडी दोस्तों रिलेटेड होगी कुछ ऐसे केसेस में जहां पर कोई चीज हमारे हाथ में ना हो, विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल, राइट। और हमने पहले देखा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड होता है, बाद में ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस वो वॉइड हो जाता है, राइट। सो इसे बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि पहले वो वैलिड था व्हेन इट वाज एंटर्ड इनटू, बट लेटर ऑन ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस दैट बिकम्स वॉइड, राइट। इसीलिए इसके आगे वॉइड एग्रीमेंट नहीं लगाया जाता, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लगाया जाता है। वॉइड के आगे कॉन्ट्रैक्ट लगाया जाता है। तो फैक्ट्स ऑफ द केस दोस्तों आपके सामने हाजिर है, ये पढ़ना शुरू करें। ए अग्रीड टू लेट हिज म्यूजिक हॉल टू बी, ए ने क्या किया, अपना ये म्यूजिक हॉल लेट आउट करने के लिए बात की मिस्टर बी से और कहा कि आप अपने म्यूजिक शोज इन स्पेसिफाइड डेट्स पर कर लेना। ठीक है जी, कर लेंगे। बातचीत हो गई, कॉन्ट्रैक्ट तय हो गया। ए म्यूजिक हॉल का ओनर है, बी अपने म्यूजिक शोज वहां करना चाहता है। बट बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द शो द म्यूजिक हॉल वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर विदाउट द फॉल्ट ऑफ ए। भैया, इसमें मिस्टर ए की कोई गलती नहीं थी और उसकी प्रॉपर्टी जल गई। अब ए ने देखा जाए तो अपना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट तो नहीं निभाया, ही फेल टू फुलफिल हिज परफॉर्मेंस। सो क्या लिखा है आगे, एज ए हैड फेल टू अकम्प्लिश हिज प्रॉमिस मिस्टर बी सूड ए फॉर कॉम्पनसेशन। कि जी मैं तो आपसे कॉम्पनसेशन लूंगा, मेरे म्यूजिक शोज की टिकट सारी बिक गई थी, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ और मुझे रिफंड करने पड़े केवल आपके कारण, क्योंकि आपने मुझे म्यूजिक हॉल नहीं दिया। अब वो कहता है भाई ये भी मेरे कंट्रोल में थोड़ी था, मैं जब मेरी प्रॉपर्टी जली गई तो मैं करूं क्या। सो यहां पार्टीज की कंटेंशन क्या थी, मिस्टर भी कहते भैया तो मेरी भी कौन सी गलती थी, ठीक बात है कि नहीं, मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया यहां पर, आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं निभाया, अब तो मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए। सो बी कंटेंडेड दैट ही सफर्ड डैमेजेस ड्यू टू इनएबिलिटी टू परफॉर्म हिज म्यूजिक शोज बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ म्यूजिक हॉल। तो मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया भाई, अब मैं तो पैसा लूंगा आपसे। अब कोर्ट का डिसीजन क्या आया दोस्तों, आइए उसे देखा जाए। कोर्ट ने कहा भैया इसमें तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक इंप्लाइड कंडीशन होती है जो कि लिखी नहीं हुई, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या मानी जाती है, प्रेजेंट मानी जाती है। देयर इज एन इंप्लाइड कंडीशन इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट द पार्टीज शैल बी एक्सक्यूज्ड इन केस द परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल। अब इस केस में तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस आ गई, राइट। द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैड बिकम फिजिकली इम्पॉसिबल ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द म्यूजिक हॉल, एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द म्यूजिक हॉल वॉज द फॉल्ट ऑफ नाइदर पार्टी। किसी का भी इसमें कोई फॉल्ट तो था नहीं, एंड रेंडर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय आइदर पार्टी इम्पॉसिबल। यानी किसी भी पार्टी के कारण तो ऐसा हुआ ही नहीं कि उसके कारण ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया, जिस कारण से भी वो इम्पॉसिबल हुआ दैट वॉज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में ये इम्प्लाइड कंडीशन वैलिड मान ली जाती है, एप्लीकेबल मान ली जाती है। क्या कहा जाता है कि भैया यहां पर क्या नहीं होगा, यहां पर पार्टीज के अगेंस्ट कोई कंपनसेशन फाइल नहीं हो गया, पार्टीज को एक्सक्यूज कर दिया जाएगा, राइट। सो माई डियर फ्रेंड्स, इसका बहुत ही एक मशहूर केस लॉ रहा बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ, जिसका नाम था टेलर वर्सेस कॉल्डवेल, राइट। केस का नाम टेलर वर्सेस कॉल्डवेल। सो क्या प्रोविजन रहे इसके पीछे, आइए वो देखें, ध्यान से पढ़ेगा। व्हेन द ड्यूटीज एंड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस ऑफ वन और मोर पार्टीज कैन नॉट बी फुलफिल्ड, चाहे एक पार्टी या एक से ज्यादा पार्टी के, किन सर्कमस्टेंसेस में, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तो उन्हें फॉलो नहीं किया जा सकता, तो कॉमन लॉ ऑफ इम्पॉसिबिलिटी जो है दैट इज फॉलोड। अब ये कॉमन लॉ ऑफ इम्पॉसिबिलिटी क्या है भाई, कॉमन लॉ ऑफ इम्पॉसिबिलिटी बोलता है कि अगर
कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो किसी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस के कारण परफॉर्म ना की जा सके, उसकी परफॉर्मेंस ना हो पाए, तो भैया वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबिलिटी के कारण क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है और पार्टीज जो है वो इसके लिए लायबल नहीं मानी जाती। सो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज अ ग्राउंड फॉर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स कि वहां पर तो कॉन्ट्रैक्ट ही अब टर्मिनेट हो गया भाई, बिकॉज देर वॉज इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म, राइट। सो माई डियर फ्रेंड्स, यहां पर पार्टी से कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं किया जा सकेगा। सो माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो ओवर। ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो चैप्टर था ये उससे जुड़ा हुआ काम था, राइट, कि कॉन्ट्रैक्ट कब टर्मिनेट हो जाते हैं, राइट, पहले वो वैलिड होते हैं बाद में वॉइड हो जाते हैं, इसीलिए पार्टीज के अगेंस्ट कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के कारण ये काम हुआ। हम मिलेंगे दोस्तों अपने अगले सेशन में फिर से कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, बाय बाय।